Hey guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं धीरज धूपर के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, कुंडली भाग से वो एग्जिट कर चुके हैं। जी हाँ, वहाँ पर करण लोथरा का कैरेक्टर क्लोज होने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे, उन्होंने अपने करियर के प्रोस्पेक्टिव से ये शो छोड़ा है, एग्जिट किया है शो से, करण का कैरेक्टर को क्विट किया है। सो ऐसे में उनके फैंस काफ़ी निराश हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, उनके करियर की अगर हम बात करें तो आखिर क्या करना चाहते हैं अपने करियर में। सो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, खबरें भी ऐसी आ रही हैं बिग बॉस के न्यू सीजन में आने वाले हैं नजर करण लोथरा। कयास लगाए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, इनमें सच्चाई कितनी है वो तो नहीं कहा जा सकता है। पर जैसा कि आप जानते होंगे, करण लोथरा और इसके अलावा ऐसे कई सारे धुरंधर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अब एक बार शिरकत ज़रूर से करते ही हैं। और करण लोथरा अगर बिग बॉस के न्यू सीजन यानी बिग बॉस 16 में नज़र आ जाए तो फिर क्या ही कहना, धमाल मचेगा डेफिनेटली। उस सीजन की ट्रॉफी करण लोथरा यानी कि धीरज धूपर के हाथों में ही होगी। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन खबरों में कितनी सच्चाई है या तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए ऐसी खबरें आ रही थी, सो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन आपको बता दें, फैंस काफ़ी निराश हैं करण लोथरा के कैरेक्टर को ना देख पाएंगे इसलिए। पर वहीं बात करें उनकी अगर हम न्यू प्रोजेक्ट की, तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर। और वो एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं, सो उनका नया शो भी जी टी वी पर बहुत ही जल्द ऑन एयर होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं अगर करण लोथरा भी बॉस 16 नज़र आएँ तो डेफिनेटली ये सीज़न सुपर डुपर हिट साबित होगा। आपका क्या कहना है, अपनी कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कितना एक्साइटेड हैं आप धीरज धूपर को बिग बॉस 16 में देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।